मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। MATHS, मैथ्स। अब ये आत्मा आपको कभी नहीं सताएगी। अब मैथ्स का डर आपके अंदर से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लेकिन क्यों? क्योंकि जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। Hello guys and welcome back to the matchless and the onlyest, the unique mentorship e-classes. दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ questions पूछने वाला हूँ, कुछ amazing और interesting questions mathematics के. Question number one, क्या आपको पता है कि किसी भी number की जब हम multiply zero से करते हैं, तो answer क्या आता है? अरे सर, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जीरो होगा। किसी भी नंबर की जब हम मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। बट क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो में करने पे आंसर हमेशा जीरो ही क्यों आता है। क्वेश्चन नंबर टू, क्या आपको पता है कि जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा जीरो ही क्यों आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेल ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया ही होगा, जब आप छोटे थे तो कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन उठा ही होगा आपके माइंड में, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन बहुतों बार उठा था। तो क्वेश्चन ये है कि आपने बचपन में HCF पढ़ा होगा और LCM भी पढ़ा होगा, बट क्या आपने कभी LCF पढ़ा है या फिर कभी HCM पढ़ा है? दोस्तों, हमें HCF और LCM तो पढ़ाया जाता है, बट हमें LCF और HCM कभी नहीं पढ़ाया जाता। आखिर क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता? वेल, सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्या आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर, बचपन से रट के बैठे हैं, मैम बहुत मारी थी। तो दोस्तों, बचपन से रट के बैठे हो तो बता दो। अरे सर, बचपन से रट के बैठे हैं ना, लिखिए ना, लिखिए, आप लिख दीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ, बचपन से रटे हुए हैं। हे, कोई बात नहीं, बचपन से रटे हो फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, बट क्या कभी सोचे कि लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में करने पे एरिया क्यों फाइंड आउट हो जाता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ ही क्यों? और जब भी हम एरिया लिखते हैं तो उसको यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, यूनिट स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर पावर टू लगाने की क्या जरूरत है, और आखिर ये ना लगाएं तो हमारा आंसर गलत क्यों हो जाता है? बचपन में कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा ऊपर पावर टू लगाना भूला ही होगा और टीचर उसका नंबर 10 से जीरो कर दी होगी। तो दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और अगला क्वेश्चन कि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में होता है, ऐसा क्यों? आखिर क्यूबिक यूनिट में वॉल्यूम क्यों होता है, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ये क्यूब लगाना जरूरी क्यों है, यानी कि ये पावर थ्री, ये क्या इंडिकेट करता है? एरिया पे पावर टू क्या इंडिकेट करता है? और दोस्तों, फिर वही बात, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड, बट साइड इनटू साइड ही क्यों होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, बट पाई आर स्क्वायर ही क्यों, और आर का ही स्क्वायर क्यों, डायमीटर का क्यों नहीं, और पाई की मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और ये पाई है क्या? और अगर हम पाई की बात करें तो पाई एक बहुत ही फेमस इरेशनल नंबर है, बट इसकी एक वैल्यू होती है 22/7, जहां पे 22 एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, जहां पे 7 जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि पाई हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये साइंटिफिकली मैथमेटिकली प्रूवन है। तो भाई, पाई इरेशनल कैसे, जब पाई की वैल्यू 22/7 होती है,
और ये 22/7 है क्या? आखिर 22/7 ही क्यों? और दोस्तों, इंटीजर की बात कर ही रहे हैं तो इंटीजर को हम दो लेटर से डिनोट करते हैं, आई से और जेड से। आई से क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीजर का पहला लेटर ही आई है। लेकिन जेड से क्यों करते हैं? क्योंकि जेड तो उसमें कहीं भी आता भी नहीं, पूरे इंटीजर वर्ड में जेड नहीं आता, फिर भी हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? और रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल वर्ड आखिर कहां से आया है और वहीं से क्यों आया है, आखिर उसके वहां से आने का मतलब क्या है? और रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? वेल, क्या हुआ? कंफ्यूजन, इतने सारे क्यों 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 क्यों? वेल, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे हजारों क्वेश्चंस हैं जिसको कि इस वीडियो में कवर ही नहीं किया जा सकता। हजारों मैथमेटिक्स के वाय हैं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये होता है तो इस वजह से होता है तो उस वजह से क्यों होता है, और इनका आंसर ना हमें मिला ना कभी किसी ने दिया। दोस्तों, तो अब इंतजार की घड़ी खत्म होती है, क्योंकि इन सारे वाय के आंसर आपको हमारे इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल द यूएमसी पर अब मैथ्स की वीडियोस आने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अब हमारे YouTube चैनल पर मैथ्स की वीडियोस आने वाली है, जहां पर हम मैथ्स के हर एक वाय, भाई ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये कैसे होता है, आखिर ये ही क्यों होता है, और भाई मैथ्स में जो छुपे हुए हर एक रहस्य है, हर एक रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं एकदम मैथमेटिकल डिटेक्टिव की तरह। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि हमारे YouTube चैनल पर मैथ्स के हर एक रहस्य से पर्दा उठने वाला है, हर एक वाय का जवाब मिलने वाला है, मैथ्स में क्या होता है, क्यों होता है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस प्यारे से YouTube चैनल पर और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस हमारे इसी प्यारे से YouTube चैनल पर मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आए मैथमेटिक्स की आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने सभी यार दोस्तों को और सभी परिवार के लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक YouTube चैनल है जिसपे मैथ्स के हर एक वाय का जवाब दिया जा रहा है, मैथ्स के हर एक रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड नेवर फॉरगेट, एवरी एंड इज अ बिगिनिंग।